हेलो नमस्कार दोस्तों, चैनल टेकोटॉक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय और आज की इस वीडियो में लेके आ गया हूं सैमसंग गैलेक्सी F62 का फुल ऑन रिव्यू। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं टेक से रिलेटेड बहुत ही अच्छी अच्छी न्यूज़ आपके लिए रोज लेके आता रहता हूं। तो आपसे कोई भी टेक से रिलेटेड न्यूज़ ना छूट पाए, इसलिए इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ शुरू से लेके अंत तक, ताकि आपसे कोई भी टॉपिक मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपका बजट है 20,000 या 21,000 के अराउंड में और आपको अभी कोई फ़ोन परचेस करना है, तो आपके लिए बेस्ट फ़ोन हो सकता है ये सैमसंग गैलेक्सी F62। क्यों हो सकता है, चलिए मैं आपको फुल ऑन इसका डेप्थ रिव्यू बता देता हूँ शुरू से लेके अंत तक। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, सैमसंग ने अपने एफ सीरीज़ का इस मॉडल को कर दिया है लॉन्च। सैमसंग गैलेक्सी F62 को, जो कि फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप डायरेक्ट जाके वहां से अभी बाई कर सकते हो, वहां पे ये फ़ोन अवेलेबल है। ये फ़ोन दोस्तों दो वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, 6GB 128GB स्टोरेज के साथ। साथ ही साथ दूसरा जो फ़ोन लॉन्च हुआ है वो है 8GB 128GB स्टोरेज के साथ। ये फ़ोन के तीन वेरिएंट आते हैं दोस्तों, और पहला जो वेरिएंट है वो है लेजर ग्रीन, लेजर ग्रे और साथ ही साथ लेजर ब्लू। ये तीन वेरिएंट में फ़ोन अभी तक आ चुका है, आपको जो भी कलर पसंद है, तीनों ही कलर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में, आई कैची कलर्स हैं। तो आपको जो भी कलर पसंद है आप जाकर उसे चेकआउट कर लो मेरे लिंक से, मैं तीनों का ही लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप चेकआउट कर लेना सीधा। जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो आप पसंद कर लेना, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि कौन सा कलर अच्छा है कौन सा नहीं है। अगर बात कर लेते हैं कि इसी फ़ोन को हम क्यों चूज़ करें अगर हमारा बजट 21,000 है, तो दोस्तों मैं बता दूं, सैमसंग का हाई एंड डिवाइस का जो प्रोसेसर है वो इसमें यूज़ किया गया है। जो 50,000 के फ़ोन में प्रोसेसर यूज़ हो रहा था अभी तक, 60,000 के फ़ोन में प्रोसेसर यूज़ हो रहा था, उसी प्रोसेसर को सैमसंग ने कर दिया है अपने इस फ़ोन में लॉन्च। जी हाँ, आपने सही। तो इस फोन में जो प्रोसेसर यूज हुआ है वो है एक्जिनोस 9825, जो कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस में यूज हुआ था। काफी हैवी प्रोसेसर है फ्रेंड्स, आप डे टू डे लाइफ यूज करो, हैवी लाइफ यूज करो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको इस फोन में, ना ही हीटिंग इशू आने वाला है। तो बिल्कुल आप इस फोन के लिए जा सकते हो, क्योंकि ये एक मस्त फ्लैगशिप वाला प्रोसेसर वाला फोन है, आपको कोई भी लैग दिखने को नहीं मिलेगा इसमें, आप कितनी भी हैवी गेमिंग कर लो। साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि इतने हैवी प्रोसेसर होने के साथ साथ इसमें आपको मिल जाता है 7000 mAh का बैटरी, जिससे कि आपका फ़ोन दो दिन आराम से चल सकता है बिना किसी रुकावट के। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि इतने हैवी प्रोसेसर होने के बाद भी इन्होंने 7000 mAh का बैटरी इसमें डाला है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले की। तो यहाँ पे 6.7 इंचेस का, इतने हैवी प्रोसेसर होने के बाद भी आपको मिल जाता है 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो कि सुपर एमोलेड पैनल के साथ में आता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, इतनी हैवी बैटरी, इतना हैवी प्रोसेसर, उसके बाद काफ़ी अच्छा डिस्प्ले, तो ये आपको एक फुल ऑन पैकेज मिल जाता है, जिसमें कि आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो एक अच्छे फ़ोन में होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के बैक साइड में। तो बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिल जाता है, जहाँ पे एक कैमरा मेन कैमरा जो इसका है वो है 64 मेगापिक्सल का, जो सेकेंडरी कैमरा है इसका वो आपको मिल जाता है 12 मेगापिक्सल का। साथ ही साथ बाकी के दो कैमरे जो है वो 5 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का सेटअप आपको यहाँ पे दिया गया है। तो वो परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, तो इतने हैवी प्रोसेसर होने के कारण इस फ़ोन का कैमरा भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो ये प्रोसेस करता है इमेजेस को, वो बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस करता है इमेजेस को। इस 64 मेगापिक्सल के कैमरे से भी अगर कोई आप पिक्चर्स क्लिक करते हो किसी और फ़ोन में, तो थोड़ा टाइम लगता है उसको प्रोसेस होने में, बट यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, तुरंत ही इमेज प्रोसेस होके आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे फ़ोन के नीचे की अगर बात करें, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है चार्जिंग पोर्ट, साथ ही साथ आपको मिल जाती है एक स्पीकर जो कि डॉल्बी साउंड्स के साथ में आती है, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्लियर, बहुत ही अच्छी साउंड है इसकी। साथ ही साथ में आपको 2021 में मिल रहा है 3.5 mm का ऑडियो जैक, जो कि बहुत ही कमाल की चीज़ है। बेसिकली अब एक अच्छे फ़ोन में आपको ये 3.5 mm का ऑडियो जैक नहीं मिलता। आप जितने भी फ़ोन्स देख लो जिसका मैंने अभी रिव्यू करा है हाई एंड डिवाइसेस का, लाइक आप अभी मैंने जस्ट रिव्यू करा था OnePlus 8 Pro का देख लो, उसमें से भी ये ईयरफोन जैक हटा दिए हैं उन्होंने, बट इस फ़ोन में आपको मिल जाता है 2021 में 3.5 mm का ऑडियो जैक, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है यहाँ पे।
फोन की अगर बैटरी की बात कर लें तो बैटरी यहाँ पे चार्जिंग सपोर्ट करता है, 25 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग मिल जाती है यहाँ पे आपको, और साथ ही साथ 25 वाट का सुपर फास्ट चार्जर भी आपको इसमें मिल जाता है, जो कि सैमसंग अपने हाई एंड डिवाइसेस में देता है, महंगे फोन्स में देता है। अब आ जाते हैं फोन के फ्रंट कैमरे पे, तो यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का बहुत ही कमाल का सेल्फी कैमरा आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी कलर्स में फोटोज को लेता है। तो दोस्तों होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और भी अगर इस फोन के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, मैं आपको वहाँ पे कंफर्म रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर जाइएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में इसको कर दीजिए शेयर। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।